भूख से व्याकुल व्यक्ति के चेहरे पर खुशी लाएगा मुस्कान फाउंडेशन। यूपी के सीतापुर में अब कोई भी व्यक्ति भूख से व्याकुल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मुस्कान फाउंडेशन ने इसका जिम्मा लिया है। मुस्कान फाउंडेशन के पदाधिकारियों के इस प्रयास की हो रही है सराहना। मालूम हो कि सांझी रोटी के नाम से संस्था के पदाधिकारियों द्वारा गरीब निराश्रितों को भोजन व कपड़े इत्यादि प्रत्येक रविवार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता था। इस संस्था ने अब अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए इसका नाम मुस्कान फाउंडेशन रख लिया है। मुस्कान फाउंडेशन के अध्यक्ष रूपा अग्रवाल ने बताया कि पर हंसी हो इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती है, और भूखे पेट कभी हंसी नहीं आती है। हर चेहरे पर मुस्कान हो, इसी को हमने अपना उद्देश्य, अपना अभियान बनाया है कि हमारे साथ साथ दुनिया में हर बच्चा, हर इंसान, हर गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, सबके चेहरे पर मुस्कान हो, यही इसी उद्देश्य को लेकर के हम चले हैं। इसलिए इसकी संस्था का नाम हमने मुस्कान किया। किन किन बच्चों को चिन्हित करेंगी आप? आपकी संस्था जब टीम वर्क करने निकलेगी तहसीलों में, भी आपने बताया है कि हमारे सभी लोग अलग अलग डिप्यूट हैं, तो क्या किन बच्चों को चिन्हित किया जाएगा? तहसीलों में हो या शहरों में, पहला हम लोग रहेगा चिन्हित कि प्राथमिक विद्यालय से हम शुरुआत करें, क्योंकि वहाँ से पता चल सकता है कि किस तरीके के बच्चे कहाँ से आते हैं, और उन बच्चों से लेकर उनके परिवार तक हम पहुँचेंगे कि उनके परिवार में उनकी माली हालत कैसी है, क्या है, और किस बच्चे के अंदर स्कूलों से पसंदीदा क्या हुनर है, कौन से बच्चे की क्या योग्यता है, और किस बच्चे को हम ज़्यादा आगे तक ले जा सकते हैं, उसके हिसाब से हम बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। और सड़कों पे भी है, बहुत से बच्चे ऐसे हमें दिखाई देते हैं, उनको भी लेकर के हम आगे प्रयास करेंगे कि उनको सड़क पे भीख मांगने की बजाय उनको हम स्कूल में, विद्यालय में दाखिला दिला सके, और उनको सड़क पे दो बकर की रोटी के लिए रोजगार ना करना पड़े, और उनको हर चीज़ मुहैया करा सके। क्या आपकी संस्था इस पर भी काम करेगी, जो रोड साइड में बच्चे भीख मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे देखा गया है कि जबरन लोग इस पैसे को करवा रहे हैं, क्या संस्था इस पे भी आवाज़ उठाएगी? जी बिल्कुल। क्या इसके लिए करेंगे? इसके लिए ये करेंगे कि पहले तो हम उन लोगों से जाके बात करेंगे कि अगर आप वाकई में सिर्फ इस पेशे को शौकिया कर रहे हैं कि ज़रूरत के हिसाब से कर रहे हैं, अगर शौकिया कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है, और ज़रूरत है तो हम आपको उनके बच्चों के परिवारजनों को अच्छा रोजगार दिलाएंगे कि कहीं पर नौकरी दिलाया है या कुछ कराया है, ताकि आप दो वक्त की रोटी कमा सकें और बच्चों से ये काम ना करें। संस्था आपकी क्या कोई प्रशासनिक मदद भी लेगी इस कार्य को करने में? अगर प्रशासनिक मदद जरूरत के हिसाब से है, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से जरूरत के हिसाब से आगे देखा जाएगा। क्या प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लेके भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा?